माताओं बहनों, भारतीय समाज में हमेशा से माताओं बहनों को सर्वोपरि दर्जा दिया गया है, लेकिन आज एक सच्चाई की तरफ भी मैं आपका पूरे देश का ध्यान दिलाना चाहता हूं। हमारे यहां परंपरा से सदियों तक, दशकों तक ऐसी व्यवस्था रही कि घर और घर की हर संपत्ति को केवल पुरुषों को ही अधिकार समझा जाने लगा। घर है तो किसके नाम? पुरुषों के नाम। खेत है तो किसके नाम? पुरुषों के नाम। नौकरी दुकान पर किसका हक? पुरुषों का। आज हमारी सरकार की योजनाएं इस असमानता को दूर कर रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो घर दिए जा रहे हैं वो प्राथमिकता के आधार पर महिलाओं के ही नाम से बन रहे हैं। अगर मैं यूपी की ही बात करूं तो यूपी में 30 लाख से अधिक घर पीएम आवास योजना के बनाए गए हैं। इनमें से करीब 25 लाख घरों की रजिस्ट्री में महिलाओं का ही नाम है। आप अंदाजा लगा सकते हैं, पहली बार यूपी में 25 लाख महिलाओं के नाम उनका घर हुआ है। जिन घरों में पीढ़ियों से किसी महिला के नाम पर कोई संपत्ति नहीं थी, आज वो पूरे के पूरे घर किसी महिला के ही नाम है। यही तो होता है महिलाओं का सशक्तिकरण, सच्चा सशक्तिकरण। यही तो होता है विकास।